नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षापुर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह देश की सबसे अच्छी ऑनलाइन एग्री कोचिंग संस्थान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से जानेंगे कि 2023 में जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पशुधन विकास अधिकारी की वैकेंसी यानी कि पोस्ट आने वाली है। और दोस्तों, इसी के बारे में हम आगे सब कुछ बेसिक से जानेंगे। तो दोस्तों, ये सभी वैकेंसी जो है यूपी पीसीएस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जाए कि ये सभी वैकेंसी यूपी पीसीएस के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, आगे हम चलिए बेसिक से जानते हैं कि फार्म कब तक आएगा, परीक्षा कब होगी और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है और परीक्षा सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो एवं सभी क्लासेस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कृपा करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, फार्म जो भरना शुरू होगा वह फरवरी या मार्च में इसका फार्म भरना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों, इसका फार्म भरना फरवरी मार्च 2023 में शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, प्री एग्जाम की बात करें तो दोस्तों, प्री एग्जाम जो है वह जून 2023 में होगा। इसके बाद दोस्तों, प्री का रिजल्ट आएगा और उसके बाद मेंस का एग्जाम कब होगा वह डेट अलॉट किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, हम एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लेते हैं, यानी कि फार्म के लिए आपको कितना शुल्क यानी कि पैसा देना होगा। दोस्तों, जनरल और ओबीसी वालों को 125 रुपये देना होगा फार्म के लिए, एससी एवं एसटी वालों को 65 रुपये फार्म के लिए देना होगा। वहीं दोस्तों, जो लोग दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए 25 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, ठीक है। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, एज में छूट भी मिलती है, जो दोस्तों आगे जब फार्म आएगा तो वहां पर मेंशन किया रहेगा कि किन किन कैटेगरी वालों को कितने कितने साल की छूट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सिर्फ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और वेटरनरी वालों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी और जिला पशुधन अधिकारी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए एग्रीकल्चर जो 4 साल की होती है वह होना चाहिए और दोस्तों हॉर्टिकल्चर होना चाहिए या वेटरनरी साइंस आपका होना चाहिए। इन सभी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होंगे तभी इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अन्य और पोस्ट होती हैं, जैसे तहसीलदार की हो गई और दोस्तों आयकर की हो गई, या दोस्तों अधिक से अधिक और पोस्ट होती हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके भी फार्म आप भर सकते हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे अब हम यूपी पीसीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्जाम पैटर्न 3 चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, आपको प्री एग्जाम देना होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना होता है। प्री एग्जाम दोस्तों ऑफलाइन होता है और क्वेश्चन जो आते हैं बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाते हैं। प्री एग्जाम में दोस्तों दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है जनरल स्टडीज से होता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और पर्यावरण ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं और यह 200 नंबर का होता है। इसके लिए आपको
2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए। उसके बाद दोस्तों प्री एग्जाम के अंतर्गत उसी दिन दूसरा पेपर होता है और इसे जनरल स्टडीज सेकंड या सीसेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सीसेट में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कम्युनिकेशन और अन्य सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनमें 100 क्वेश्चन होते हैं और दोस्तों ये 200 नंबर के होते हैं। इस पेपर को भी सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों पेपर दोस्तों ऑफलाइन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों दोनों पेपर के लिए 0.33 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। दोस्तों एक बात और आप सभी को बता दें कि सीसेट का जो पेपर होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सीसेट में 33% मार्क लाते हैं तभी आपका यह फर्स्ट पेपर जो है चेक होगा, नहीं तो चेक नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों मेरिट जो बनती है इसी फर्स्ट पेपर पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट का नंबर आपके लास्ट मेरिट यानी कि जब आपका सिलेक्शन होता है उस मेरिट के लिए इन दोनों सब्जेक्टों के अंकों का कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल क्वालिफाई मार्क होते हैं। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे तब आपको मेंस में जाना होगा। और मेंस में दोस्तों जनरल हिंदी के 150 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसएससी से 150 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों फिर जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकंड, जनरल स्टडीज थर्ड और जनरल स्टडीज फोर्थ, ये 4 पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके जनरल स्टडीज से होंगे, ठीक है। और इसके लिए 200 नंबर का पूर्णांक जो है निर्धारित किया गया है और प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 2 सब्जेक्ट जो होगा वह ऑप्शनल होगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना होगा। जैसे कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाली किए हैं तो आपको पता होगा कि आपके फर्स्ट ईयर से यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं, तो उनमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्रोनॉमी ले लेते हैं तो यहाँ पर आप सोयल साइंस ले लेते हैं, या यहाँ पर आप एनिमल हस्बेंड्री ले लेते हैं तो यहाँ पर आप एग्री इंजीनियरिंग ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको कोई 2 सब्जेक्ट को लेना होगा और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपका 200 नंबर का पूर्णांक निर्धारित किया गया है और दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सभी पेपर जो होते हैं ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। और इन दो सभी पेपर में यानी मेंस के सभी पेपर में आपको लिखना होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको पूरा लिखना होता है कि जैसे आप हाई स्कूल में बोर्ड के एग्जाम में लिखते थे उसी तरह यहाँ पर आपको लिखना होगा क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब आप मेंस क्वालिफाई कर देंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए दोस्तों 100 नंबर का जो है पूर्णांक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों अंतिम मेरिट जब बनेगी यानी जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो मेंस के सभी नंबर जुड़ेंगे और या इंटरव्यू के भी 100 नंबर जो होंगे ये भी जुड़ेंगे। इन सभी नंबरों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। जो कैंडिडेट इसके मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप इन सब्जेक्टों में यानी मेंस के सभी सब्जेक्टों में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला लेते हैं और आप इंटरव्यू में कम नंबर ला लेते हैं तब भी आप मेरिट में आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर का ही इंटरव्यू पूर्णांक है, ठीक है। तो इसे डरना नहीं दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है मेंस के एग्जाम पर करना है। तो दोस्तों अगर इसके अतिरिक्त आपका कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जनवरी 2023 से हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीपीसीएस जो एग्रीकल्चर से संबंधित वैकेंसी है
उन सभी के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर समस्त कृषि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी और दोस्तों आईसीआर बीएचयू यूपी कैटेट इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कराई जाती है। अगर दोस्तों आप बैंक पीओ क्लर्क या एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। इसके साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पीसीएस की तैयारी भी कराई जाती है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे और दोस्तों नोट्स भी अभी प्रोवाइड कराई जाती है। सब कुछ दोस्तों निःशुल्क है। तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नहीं तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।